हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्लैम जोन पे। तो आज हम लोग मैच कराने जा रहे हैं रोमन रिंग्स, ब्रोक लेसनर, जॉन सीना, जिम्मी उसो। अपोनेंट रहेंगे गुंथर, रॉक, सोलो सिकोवा और सीमस। चलिए मैच शुरू करते हैं। टैग टीम मैच है, सभी के पास तीन तीन फिनिशर है। नॉकआउट ऑन है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन है। शायद मैं भूल गया, मैंने शायद सेट नहीं किया है, रैंडम रैंडम ही है। चलो मैच शुरू हो गया है, उम्मीद करूंगा रोमन डायरेक्ट फिनिशर। काम काम यही है, सबसे पहला काम यही तो करते हैं रोमन। आते ही एक स्पियर, चलो भाई दूसरे स्पियर लगाने जा रहे हैं। रॉक की तो चटनी बन जाएगी अब। रॉक का एलिमिनेशन हो सकता है, अरे नहीं होगा, यहाँ पर रिवर्स कर दिया है रॉक ने। रॉक के पास भी तीन तीन फिनिशर हैं, काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि रोमन के ऊपर भारी पड़ सकते हैं फिलहाल। यार मुझे यहाँ पर कोडी रोड्स को लेना चाहिए था ना, सीना की जगह या जिम्मी उसो की जगह। कोई बात नहीं, जल्दबाजी में मैंने लगा दिया, कोई नहीं, अगली बार ध्यान दूंगा इस चीज़ का। आप लोग मैच कमेंट करना, ठीक है। रोमन के ऊपर डबल टीम अप हो सकता है वैसे। अगर डबल टीम अप कर लेते हैं तो यार ज़्यादा सही रहेगा रोमन, वो रॉक के लिए। वैसे यहाँ पर रोमन को एक फिनिशर लगा देना चाहिए था, कोई नहीं, सही खेलें। चलो भाई ब्रोक को टैग मिल गया है, और मैं बता दूँ ये 2K24 है ना कि 2K23। हाँ भाई ये मोडेड मोडेड है, अलग अलग से मैंने इनको यहाँ पर मोड करके अप्लाई किया है, तो कह सकते हो कि ये खतरनाक लग रहे हैं ये वाले ब्रोक लेसनर। और आज मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। चलो भाई F3 लगाया है ना, F3 थोड़ा कम रिवर्स होता है भाई। F5 क्यों लगाया ब्रोक ने। अक्सर भाई F3 मैंने नोटिस किया है, F3 इतना रिवर्स नहीं होता जितना F5 होता है। लो भाई साफ शूटर लगा दिए, इधर अपना सिग्नेचर लगा दिया है रॉक ने। फिलहाल बच जाएंगे, इतना नहीं है, लेकिन रॉक के साथ कांड हो सकता है। चलो भाई रिवर्स कर दिया है ब्रोक ने। जिम्मी उसको क्यों लपेट रहे हैं यार। चलो F3 की F5 अभी पता चलेगा, F5 है। अगर इस बार रिवर्स हो जाता है तो भाई मेरा सच में दिमाग ख़राब होने वाला था। ये दूसरा फिनिशर है रॉक के, पहला रोमन का कनेक्ट हुआ था, ब्रोक का। एलिमिनेट नहीं हुए दो फिनिशर में, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि दूसरा फिनिशर इनफ होता है किसी को भी एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन भाई रॉक जैसा कि सब जानते हैं कि बड़े सुपरस्टार हैं, ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा भाई एक फिनिशर और आ गया, गए रॉक गए। तो अब ये क्या हो गया, एलिमिनेट क्यों नहीं हुए यहाँ पर रॉक। मैंने नॉकआउट ऑन रखा था, यकीन मानो। चलो ब्रोक के पास एक और फिनिशर, रॉक खतरनाक जा रहे हैं अब। ओ सीमस, ये नहीं करना चाहिए था। रॉक थोड़ा रॉक के ऊपर ध्यान दो, अब थोड़ी सी गलती और कांड हो जाएगा, पूरे मैच पूरा मैच बदल जाएगा। चलो रॉक लग रहा है, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, अंदर आओ अंदर आओ ब्रोक। मैं कहो ब्रोक कर क्या रहे हैं, कहाँ कुछ भूल गए क्या बाहर। भाई ये गिलिच नहीं सुधरेगा यार, ये गिलिच कर गया है। चलो भाई सोलो को टैग मिल गया है, यही मैं कहता, थोड़ी सी गलती और कांड हो सकता है, बच गए बाल बाल। चलो भाई सोलो को भी एक F3 लगा दिया है ब्रोक ने। चलो रिवर्स बचा लेंगे, किसने आगे बचाया, रोक नहीं बचा लिया, कोई नहीं, सही है। भाई रोक ब्रोक अब जाएंगे, इस तरीके की गलती भाई मैच बदल देती है। चलो भाई ब्रोक अगर जिम्मी उसो को टैग दे देते तो भी सही रहेगा, मैं तो कहता हूँ रोमन को दे दो, लेकिन रोमन के पास फिलहाल अभी एक ही फिनिशर है। चलो गुंथर को भी टैग मिल गया है,
रॉक अंदर और रॉक पूरी तैयारी में है मारने के लिए। चल भाई अंदर कर दिया, सही है। इंस्टेंट रिकवरी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। टैग टैग टैग, और ये यार गुंदा ने पक गपल कर लिया। बस 1 सेकंड और बचा था टैग देने को। यहाँ पर सीना को टैग मिल जाता, खा दिया। चलो भाई एक सिग्नेचर लगा दिया इधर गुंथर ने। ओ भाई मुझे लग रहा है सुपर फिनिशर है कि सुपर सिग्नेचर है। चलो मुझे लग रहा है सुपर फिनिशर है। यहाँ पर गुंथर टैग देने ही नहीं दे रहे हैं। चलो भाई डबल टीम अप कर लो ब्रो डायरेक्ट। डबल टीम अप ज़्यादा सेफ रहेगा ब्रोक के लिए। फिलहाल ब्रोक अभी डबल टीम अप के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। सही है, यही होता है यार। एआई बहुत गंदी हो गई है 2K24 की। चलो भाई अब टैग दे देना गुंतर, बीच में मत आना। चलो रोमन को टैग मिल गया। रोमन स्पीयर आके एक लगा सकते हैं आराम से, लगा दिया। अरे ये तो नॉर्मल मूव से, मुझे लगा स्पीयर लगाएंगे। चलो भाई ये कोई बात नहीं। चलो सुपरमैन पंच लगा दिया। रोमन के पास अब सुपर फिनिशर है तो। चलो भाई सबकी एंट्री बैन हो गई है। रोमन डाइव फिनिशर की ओर को भाई यहाँ पर किक झगड़ दी इधर। चलो भाई यहाँ पर गुंथर का एलिमिनेशन हो गया है। सोलो भी आ गया, सोलो भी जाएगा। अब सोलो को अभी नहीं आना चाहिए था वैसे। रोमन डायरेक्ट फिनिशर की तरफ जाना। सोलो वैसे भी पिछली बार नहीं पहली बार आया है, आया था ब्रोक के टाइम, लेकिन एक फिनिशर खा के चला गया था। तो सोलो को भी लगभग एक या दो फिनिशर और चाहिए, क्या पता एक ही में एलिमिनेट हो जाए। भरोसा नहीं है क्योंकि आज बिना टीम के आया है। चलो भाई सीमस को भी टैग मिल गया। सीमस थोड़े खतरनाक है यार ये वाले, तो हल्के में नहीं ले सकते। मैं तो कह रहा हूँ रोमन टैग दे दे तो अब ज़्यादा सेफ रहेगा। सीमस का फिनिशर काफ़ी अच्छा है वो। रोमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर बैक टू बैक लगा दी, क्योंकि अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि सीमस बैक टू बैक फिनिशर बहुत ज़्यादा लगाते हैं। चलो भाई एक लगा दिया। सुपर फिनिशर है क्या? क्या सुपर फिनिशर है, बच जाएंगे। चलो ये भी अच्छा रहा, सीमस की एक गलती हो गई। सीमस अगर एक एक फिनिशर लगाते तो ज़्यादा सेफ रहता उनकी टीम के लिए, एडवांटेज होता उनकी टीम के पास। रॉब के पास अभी भी तीन तीन फिनिशर हैं, और भाई सोलो के पास भी तीन फिनिशर कहाँ से आ गए। चलो भाई सीमस को भी एक फिनिशर लग गया है। रोमन के पास अभी एक सिग्नेचर और एक फिनिशर और है, तो मुझे लग रहा है कि सीमस का एलिमिनेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। चलो भाई इस बार तो भाई रोमन पक्का डबल टीम अप करेंगे, कोई चांस ही नहीं है। रोमन और ब्रॉक में ये चीज़ खासियत है कि जब भी दोनों काफ़ी अच्छा डोमिनेट करते हैं सामने वाले को, अपोनेंट टीम को, उसके बाद वो टैग नहीं देते जब तक कांड ना हो जाए। चलो भाई जिम्मी उसो भी आ गए हैं रिंग के अंदर। जिम्मी उसो ने अपना सिग्नेचर लगा दिया। चलो भाई उसो स्प्लैश की तरफ गए, बच गए। मुझे लग रहा था इस बार एलिमिनेशन रेजिलेंस जाएगी, लेकिन यहाँ पर सीमस की रेजिलेंस जा चुकी है। फिर से भाई इस बार सीमस का एलिमिनेशन तय, अगर रिवर्स नहीं किया तो भाई एलिमिनेशन होना तय है। 4-on-2 का मैच हो गया, रॉक भी आ गए।
जिमी उसे पूरा भाई फॉर्म में है, काफी सही खेल रहा है। नॉर्मल सब मिशन है वैसे ये। अभी सीना को एक बार भी टैग नहीं मिला, मैंने नोटिस किया सीना को अभी एक बार भी टैग नहीं मिला है। चलो भाई जल्दी करो, 200 फिलहाल अभी स्टंट है। चलो भाई सीना को टैग मिल गया है। सीना अभी फिनिशर, अगर एक दो फिनिशर लगा देंगे तो रॉक का एलिमिनेशन तय है। फिलहाल इनके पास सुपर फिनिशर और एक सिग्नेचर है, तो अपने पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। भाई साफ शूटर लगा दिए, इधर सिग्नेचर लगा दिया है रॉक ने सीना को। भाई कोई बचाने आएगा कि सब ऐसे ही देखेंगे? चलो भाई सीना ने खुद ही बचा लिया वैसे, क्योंकि पहला पहला मूव था इसीलिए। मैं तो कह रहा हूँ कि इस रॉक को जाने मत दो यार, डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। रॉक अगर इतना स्टाइल मार रहे हैं, अगर इतना एक एक फिनिशर के लिए रेडी हो जाए तो रॉक भाई गए, रॉक का एलिमिनेशन तय है। चलो तो भाई लग तो रहा है कि फिनिशर लगाने जा रहे हैं, लगाने जा रहे थे लेकिन कोई नहीं। चलो तो भाई सीना को ही यहाँ पर उल्टा रॉक ने फिनिशर लगा दिया है। चलो रोमन ने बचा लिया। फिलहाल अब सभी की एंट्री बैन है अपनी टीम में। अगर अगला फिनिशर रोम सीना को लगता है तो भाई कोई बचाने नहीं आ पाएगा। रेजिलेंस जा सकती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सीना को एक और फिनिशर लग सकता है। लग गया। ओ भाई ये उम्मीद नहीं थी कि दो फिनिशर में ही एलिमिनेट हो जाएंगे सीना। कोई बात नहीं, अभी भी हम लोग के पास एडवांटेज है। जिम्मी उसे यार बच गए, अगर पकड़ लेते ना भाई बहुत लपेटते इधर सोलो। जिम्मी उसके पास अभी भी एक फिनिशर है। देखते हैं क्या होता है। भाई यहाँ पर जिम्मी उसको काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं वैसे। चलो भाई एक फिनिशर जिम्मी उसको कनेक्ट हो गया है, सिग्नेचर आने वाला है जिम्मी उसको के पास थोड़ी देर में। नहीं यार जिम्मी उसको का भी एलिमिनेशन हो गया, 2-on-2 का मैच हो गया फिर से। रोमन रिवर्स कर देना, चलो ठीक है। तो रोमन के पास अभी भी एक फिनिशर और एक सिग्नेचर है, तो भाई पक्का एलिमिनेशन होना तय है यहाँ पर सोलो का। चलो चलो रोमन ब्रोक को टैग देने जा रहे हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि रोमन थोड़ा मार भी खा गए हैं और थोड़ा स्टंट मीटर भी आने वाला है थोड़ी देर में, तो ये सेफ रहेगा ब्रोक के लिए। अभी ब्रोक वैसे एक ही फिनिशर खाए मेरे हिसाब से, वैसे मैं तो कहूँगा ब्रोक यार एक फिनिशर लगा दो डायरेक्ट, सोलो एलिमिनेट हो जाएगा। तो भाई सिग्नेचर आ गया है सोलो के पास, थोड़ा संभालना होगा। अब छीन लिया सिग्नेचर, छीन लिया यहाँ पर सोलो ने, अच्छा कि सिग्नेचर छीना है। चलो ब्रोक के पास भी दो फिनिशर आ चुके हैं। चलो भाई रॉक और यहाँ पर सोलो को एलिमिनेट कर सकते हैं, काफ़ी काफ़ी तरीके हैं। बच गए, सोलो बचा। अगर थोड़ा ज़्यादा डैमेज होता ना तो भाई पक्का यहाँ पर हाथ गया था।
सोलो एलिमिनेट होना उनका तय था पहले से ही। चलो भाई रॉक भी आ गए हैं। रॉक यार थोड़ा कांड कर सकते हैं, बल्कि ये सोलो को तो यार नहीं लग रहा, लेकिन रॉक कांड कर सकते हैं अभी भी। भाई रॉक को मैं उतनी देर से देख रहा हूँ, साफ शूटर ही लगा रहे हैं, स्पाइन बस्टर लगा ही नहीं रहे हैं भाई। रॉक को एलिमिनेट का अकेले अकेले रोमन बचे हैं, रॉक एलिमिनेट तो नहीं होंगे। सोलो ने बचा लिया है, एंट्री बैन हो गई और कुछ नहीं। चलो भाई यहाँ पर 1-on-2 का मैच हो गया। मैंने कहा था एक गलती और पूरा मैच बदल जाएगा, वैसा ही हुआ बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ रोमन के पास 3 फिनिशर है, एक अभी रॉक को लगा दें और 2 यहाँ सोलो को, एलिमिनेशन तय। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं रोमन, उम्मीद करता हूँ कि ये सुपर फिनिशर नहीं है। चलो ठीक है, मैं तो कहूँगा रोमन एक फिनिशर लगा ही दो डायरेक्ट, थोड़ी सी भी लेट ना करो। चलो चलो भाई फिनिशर की ओर जा रहे हैं। चलो रॉक का एलिमिनेशन तय है इस बार, अगर रिवर्स नहीं किया तो भाई रॉक एलिमिनेट हो सकते हैं। एलिमिनेट रिवर्स कर दिया, गलत तरीके से किया। क्या लगता है रोमन जीतेंगे? 50% चांस है कि रोमन विन करेंगे या रॉक। जहाँ तक मुझे लगता है कि यार रॉक ये मैच जीत सकते हैं काफ़ी आराम से। चलो सोलो को टैग मिल गया है। चलो अरे यार सोलो यार गुंडा बन रहा है अब और कुछ नहीं। रोमन का एलिमिनेशन मुझे लग रहा था हो सकता है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज थी और हेल्थ नहीं थी अपने पास।